हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान, इनेलो कांग्रेस की खिसक चुकी है जमीन, जनता में नहीं है दोनों पार्टियों का जनाधार, दोनों ही पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए घूम रही है। रोहतक पहुंचे नायब सैनी ने इनेलो कांग्रेस पर जमकर कसे तंज। पत्रकार वार्ता में नायब सैनी ने दोनों ही पार्टियों पर लगाए आरोप। नायब सैनी ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतों को भी कांग्रेस सरकार की ही देन बताया। स्वागत है माननीय मंत्री, प्रदेश कार्य समिति रोहतक में होने जा रही है, कुछ विषय में चर्चा करिए, हमने आपस में बैठ के आपका 17 तारीख आगामी 17 तारीख को सितंबर को कतार में होगा उसके विषय में भी आप अपना उपस्थित सभी प्रमुख कार्यकर्ता मित्रों बैठ करके चर्चा की है, परंतु इसी बीच में मैंने भी सोचा मेरा भी दाम लग जाएगा, मेरा भी कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती श्रम दिवस श्रम विभाग द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, के उपलक्ष्य पर जो श्रमिक है हमारा वो एक दुकान चलाता है या कोई साइकिल को ठीक करने का काम मिस्त्री का काम करता है या उसमें निर्माण। 17 सितंबर को जब भगवान विश्वकर्मा जयंती है उसके उपलक्ष्य के ऊपर एक जो हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं या जो कोई मिस्त्री का काम करते हैं, जैसे कोई साइकिल की दुकान करता है, साइकिल बनाने की फैक्ट्री है या कोई गाड़ी ठीक करने का काम करता है, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है या कोई राजमिस्त्री का काम करता है, प्लम्बर का काम करता है या कोई पेंटर का काम करता है, ऐसे सब व्यक्ति जो भगवान विश्वकर्मा को अपना इष्ट देव मानते हैं, उन सब लोगों को हम आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और उस जयंती के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश से भारी संख्या में लोग वहाँ पर उमड़े ताकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी जयंती हम मना रहे हैं कि विश्व में किसी के पास भी इतना बड़ा इंजीनियर नहीं है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें आगे बढ़ने का अवसर उसके पद चिन्हों पर चल करके मिलता है, ऐसे महान पुरुष की जयंती के ऊपर हम सब करनाल के अंदर एकत्र आएंगे और वहां पर भव्य तरीके से 17 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड में मनाएंगे। जिस तरह से अभी जिस तरह से इसने इनेलो ने प्रदर्शन किया था और अब जो है कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसा क्या लगातार जिस तरह से कर रहे थे, क्या असर नहीं है बीजेपी सरकार? देखिए, ना तो कांग्रेस के पल्ले कुछ रहा और ना ही इनेलो के पल्ले कुछ रहा, दोनों की दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने में वो लगी हुई है क्योंकि उनका संगठन भी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। पूरे देश से कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और जो महंगाई बढ़ी है जिसके कारण वो आज प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, 2004 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के अंदर बैठे, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी और जब अटल जी विपक्ष में बैठे थे तो उस वक्त पेट्रोल 29 रुपये था और कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर के 2014 तक रही और वो पेट्रोल का भाव 70 रुपये पे चला गया, लगातार बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। ये महंगाई किसने बढ़ाई है? ये महंगाई कांग्रेस पार्टी की देन है। अपने गिरेबाह में उन लोगों को जाकर के देखना चाहिए कि जब हमारी सरकार रही थी तो हमने उस महंगाई को कितनी चरम सीमा के ऊपर पहुंचाया था, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई कम हुई है, महंगाई बढ़ी नहीं है अगर उसकी तुलना में आप लोग करें पेट्रोल के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके भाव हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने अगर ऊपर से कम होते हैं तो उसके भाव को कम किया है। और इसके अंदर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो तेल कंपनियों थी
2,000,00,000 करोड़ रुपए उनका बैलेंस आज तक पड़ा था जो नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जो पैसा देश का लूटा है, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, ये सारी की सारी उसकी देन है और उसके कारण ये महंगाई बढ़ी है और देश का व्यक्ति त्राही त्राही करने लगा था। उन्होंने देखना चाहिए कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी पूरे देश से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसकी नीतियाँ गलत थी। उसने देश को लूटने का काम किया, देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। कर्म भी है जिस तरह से रोडवेज कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार उन पर एस्मा लगाया गया और उनको जो है बाहर कर दिया गया। देखिए, सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले रहते हैं और हम ये बात बोलते हैं कि आप आइए, बात कीजिए, बात से बैठ करके उसका समाधान हो जाएगा। परंतु लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी है, कर्मचारी भी जो प्रदेश की जनता है, उसके पैसे से ही वो वहाँ पर बैठ करके उनको सुविधाएं देने का काम करता है। अगर जनता वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, उनको अंदर उसके अंदर दिक्कत आती है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बातचीत है तो बातचीत, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आकर के बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए तैयार है। पेट्रोल की जिस तरह से बात की तो 80 पार हो चुका है बीजेपी सरकार में, उससे पहले जिस तरह से बहुत कम था। नहीं, मैंने ये बात कही है कि 70 रुपए तो कांग्रेस पार्टी 2014 में छोड़ करके गई थी। हमारी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी है, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात। महंगाई तो अगर आप लोग देखेंगे, जो 29 रुपए पेट्रोल था जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़ करके गए थे, और 70 रुपए कांग्रेस पार्टी ने किया, महंगाई तो वो थी, आज महंगाई नहीं। आप इसका आंकलन कीजिए, 70 रुपए कांग्रेस छोड़ करके गई, आप बस्ती की बात कर रहे हैं, 1-2 रुपए अप डाउन होता रहता है, कभी बढ़ गया कभी नीचे आ गया। आज महंगाई को जो संतुलित करने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। आज आम लोगों को राहत देने का काम, इस महंगाई से छुटकारा देने का काम नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी। निगम चुनाव की बात करें तो कब तक संभव सकते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आयोग उसकी डेटें जारी करेगा, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और उसके अंदर जो आदरणीय मनोहर लाल जी की नीति है, जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के समान रूप से विकास किया है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से, जो नगर निगम है, चाहे लोकसभा के चुनाव आएंगे चाहे विधानसभा के चुनाव आएंगे, यहाँ से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से समाप्त हो चुकी है। इनेलो का अस्तित्व हरियाणा से भी समाप्त हो चुका है, आप देख रहे हैं। उन्होंने जो कल SYL के नाम के ऊपर बंद किया वो एक ढकोसला था और लोगों ने उसके अंदर कोई रुचि नहीं ली, लोगों ने उनको नकार दिया, उनके गठबंधन को नकार दिया, इनेलो पार्टी को नकार दिया।